नमस्कार, मैं हूं ईशा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 20। आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ भारत 20 में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं खबरों की नई दुनिया से। ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी व्यापार का मुख्य विषय बाजार होता है, जिसका लड़ाई आज जमशेदपुर में किसान हरियाली सब्जी विक्रेताओं के साथ पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने हजारों सब्जी विक्रेताओं के साथ शहर में रैली निकाला। कहा, साक्षी जंगली बाजार में दबंगों का कब्जा है, जिससे मुक्त करना होगा, अन्यथा जिला अधिकारियों के ऑफिस के सामने बेचेंगे सब्जी। जमशेदपुर में सब्जी की खपत का मुख्य स्रोत पटमदा, हाथा, हल्दी पोखर इत्यादि ग्रामीण क्षेत्र है, जो वर्षों से सब्जी उगाकर जमशेदपुर में साक्षी बाजार जंगली में बेचते आ रहे हैं। आपका विरोध क्या? मेरा विरोध यही है, मेरा किसान भाई डेली बेचेगा, डेली घर जाएगा, खुला रहना चाहिए, कोई तिरपाल उरपाल नहीं रहना चाहिए। 25 दिन के अंदर SDO साहब इसको खाली कर, SDO साहब तो 4 दिन के अंदर में खाली कर देगा, वो पावर है। के जेनेसी यहाँ के डिस्को का सब मिल करके अपना माल कमा रहा, ये बंद करने के लिए झारखंड मजदूर यूनियन खड़ा है और गरीब लोग के साथ आप लोग हैं। अगर 25 दिन का खाली नहीं होते तो क्या समाज में आंदोलन की रूपरेखा बनेगा? को बता दें कि गरीबों के लिए कई वर्ष पहले जंगली मार्केट का एरिया सुनिश्चित किया गया था, मगर आज वहां आलू और प्याज लेकर विक्रेताओं का कब्जा ही चला है, जिसको मुक्त करा इन किसानों को देना ही होगा, अन्यथा आगामी दिनों में किसान सरकारी बाबुओं के घरों और दफ्तरों के पास जाकर सब्जी बेचने का काम करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।